चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। व्हेन अ पीस ऑफ एल्युमिनियम वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ इज ड्रॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ डाइज टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस इसका। सबसे पहले क्या किया जा रहा है, फाइनाइट लेंथ का एल्युमिनियम वायर है, ठीक है, और उससे एक सीरीज ऑफ डाइज बनाई जा रही है, ठीक है, रिड्यूस इसका मतलब स्ट्रेच करके डाइज बनाई जा रही है अल्टीमेटली, यानी वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। डायमीटर क्या कह रहा है, डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो देखो जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इनटू एल अपॉन ए, अगर स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, स्ट्रेच अगर करते हैं और लेंथ के कॉन्टेक्स्ट में बोलता है तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है, जबकि रेडियस या डायमीटर के कॉन्टेक्स्ट में जब बोलता है तो आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर पे पावर फोर या आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डायमीटर का पावर फोर के इनवर्सल प्रोपोर्शनल होता है, ये पॉइंट याद रखो। तो यहां पर बोल रहा है डायमीटर के कॉन्टेक्स्ट में, तो डायमीटर रेजिस्टेंस का इनवर्सल प्रोपोर्शनल का फोर्थ पावर का इनवर्सल प्रोपोर्शनल होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो इस लॉजिक से आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर इनिशियल का पावर फोर अपॉन डायमीटर फाइनल का पावर फोर। डायमीटर इनिशियल मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इनिशियल डायमीटर डी है, फाइनल डायमीटर क्या हो रहा है डी बाई टू, हाफ हो जा रहा है ना, क्वेश्चन में ये बोल रहा है हाफ हो जा रहा है पहले के कंपेयर में, तो यहां वैल्यू पुट कर दो, डी डी इनिशियल डी है और डी पावर फोर है डिवाइडेड बाई डी बाई टू का पावर फोर, ये कितना हो जाएगा डी पावर फोर कट जाएगा, टू का पावर फोर ऊपर जाएगा, 16 होगा ना, तो आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल 16 हो गया, यानी आर फाइनल 16 टाइम है आर इनिशियल के, इनिशियल रेजिस्टेंस का 16 गुना यानी 16 टाइम्स, ये आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।